guys, welcome back to my channel Ekta's Art Corner. And guys, I am Ekta Garg, जो आपको सिखाने वाली हूँ इस चैनल पे new arts and craft. And guys, आज हम करने वाले हैं painting and painting with using my favorite color. Yes, you know it, guys. Acrylic paint. We will doing acrylic painting. So without any further delay, let's go. सो गाइस, ये पेंटिंग मैं करने वाली हूँ कैनवस पे. सो हियर आई एम हैविंग दिस कैनवस ऑफ अनुपम, जो मैंने मंगाए थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, वैसे तो ये पहले से जो है इस पर कोट अप्लाई हो रखा है, ये प्राइम होके आते हैं, बट फिर से मैं इसको प्राइम करूँगी विद द हेल्प ऑफ सम फेविकॉल और उसमें थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके इसको पहले प्राइम कर लिया है. और जब ये प्राइमर हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी स्केचिंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगी. जो मुझे यहाँ पे ड्राइंग बनानी है पहले मैं उसका स्केच बनाऊँगी बहुत लाइट हैंड से, ताकि बाद में जो भी उसमें मिस्टेक्स निकलेंगी उसको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं. सो गाइस, इसी तरह से बस मैं यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट कर रही हूँ. ये हमारा स्केच एंड फ्री हैंड मैं इसको बना रही हूँ. पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ स्केच बनाऊँगी और इसके बाद जो मुझे यहाँ पे लगेगा कि बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं उनको रफ करके फिर मैं उनको डिटेलिंग ऐड करूँगी. जैसे कि अभी मुझे लग रहा है ये जो ऊपर की जो हेयर है ये ठीक नहीं बने हैं, तो फिर मैं इनको रफ करूँगी और दोबारा से ड्रॉ करूँगी. एंड फिर मैं इसकी आइज़ वगैरह जो इसके फीचर्स हैं उनको भी ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर रफली. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसकी आईज, लिप्स, नोज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं. एंड गाइस, कॉफ़ी भी आ गई है मेरी साथ में थोड़ी एनर्जी के लिए, तो खाते पीते रहो, पेंटिंग बनाते रहो, एनर्जी देते रहो गाइस. एंड गाइस, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब क्यों है, सो गाइस आई एम नॉट वेल दीज डेज एंड इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ बस ख़राब है. एंड यहाँ पे मेरा जो ये लुक है वो तैयार हो गया है. इसका पूरी स्केचिंग रेडिंग होने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रीन बैकग्राउंड कर लिया था और इसकी पूरी बॉडी में कर दिया यहाँ पे स्किन कलर. और स्किन कलर मैंने यहाँ पे बनाया थोड़ा वाइट, ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स करके, और इसकी पूरी बॉडी में मैंने इस तरीके से कलरिंग स्टार्ट कर दिया. और अब जो इसका ये दुपट्टा है, जो इसकी पूरी ड्रेस है, मैं इसमें कलर करने वाली हूँ. और इसमें मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ ऑरेंज. सो इस पूरे दुपट्टे में पूरी ड्रेस में यहाँ पे शेड देंगे ऑरेंज कलर की एंड रेड कलर की, जिसमें कि यस गाइस हम अपने एक्रिलिक पेंट्स यूज़ कर रहे हैं. और ये वाली पेंटिंग आप किसी भी शीट पर बना सकते हैं, कैनवस पर बना सकते हैं, आइवरी शीट, एनी शीट यू कैन यूज़. और बस इसी तरीके से इसकी जो ड्रेस है यहाँ पर पूरी में मैं यहाँ कर दूँगी ऑरेंज एंड रेड कलर कुछ फ्लैट ब्रशेस से. और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रेड शेड्स देना स्टार्ट कर दिया इस पेंटिंग में. एंड गाइस, देखो किस तरीके से हैंड पे पूरा कलर लग गया है. और यहाँ पे जो इसकी ड्रेस का कलर था वो पूरा डन हो चुका है. मैंने इधर इसी तरीके से ये जो रेड इफेक्ट है ऑरेंज के साथ उनको मिक्स करके यहाँ पे इसकी पूरी ड्रेस में कलर कर लिया है. और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगी इसके हेयर में कलर करना. इसके हेयर में हम करेंगे ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर ही होता है ज़्यादातर इंडिया में जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं सभी के. तो यहाँ पे इसके प्रॉपर ब्लैक कलर हम यहाँ पे कलर करेंगे इसके हेयर में इस तरीके से. एंड इसी तरीके से बस फ्लैट ब्रश का यूज़ करके इसके हेयर में ब्लैक कलर करेंगे. और मोस्टली मैंने इस पेंटिंग में फ्लैट ब्रशेस का ही यूज़ किया है. एंड इसके हेयर में पूरे में कर देंगे कलर थोड़ा थोड़ा, जो पाउडर है उसको मिक्स करके, ताकि जो हमारा कलर है वो ड्राई ना हो. तो बीच बीच में थोड़ा सा जो ब्रश है उसको डिप करते रहेंगे वाटर में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कलर ड्राई भी हो जाते हैं, फ़ैन ऑन रहता है इस वजह से. तो बीच बीच में जो हमारा ब्रश रहेगा उसको वाटर में थोड़ा थोड़ा डिप करते रहेंगे एंड देन वाइप करके कलर में डिप करके यहाँ पे उसमें फिर से कलर करते रहेंगे. तो यहाँ पे सारे हेयर्स में इसके इसी तरीके से गाइस हो जाएगा ब्लैक कलर. एंड उसमें थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग ब्राउन की भी दे दी है यहाँ पर मैंने. सो यहाँ पर वाइट कलर से हाईलाइट्स कर दिया मैंने इसके बाद. अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ इंडियन गर्ल की आईब्राउज, और आईब्रो का कलर भी मैं यहाँ पे रखूँगी ब्लैक. और इसकी आईब्रोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो राउंड ब्रश होता है 0 नंबर वाला वो ब्रश, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा थिन ब्रश से बना सकते हैं. तो इस तरीके से इसकी दोनों आईब्रोज हो चुकी हैं रेडी. एंड अब इसकी बनने वाली हैं ये आईज़, और सेम ब्रश का यूज़ करके ब्लैक कलर से मैं इसकी जो आईज़ हैं उनकी पूरी आउटलाइन करने वाली हूँ. जो पहले से मैंने स्केच तैयार कर रखा था बस उसी यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा सा वो स्केच दिख रहा है, तो उसी के ऊपर
मैं जो है ये करने वाली हूँ, और इसकी आइज पे, दोनों आइज पे जो है इस तरीके से आउटलाइन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ब्राउन कलर कर दिया है। और अब जो ये मुझे इसके लिप्स थोड़े थोड़े जो पेंसिल की जो मार्क्स हैं दिख रहे हैं उसके लिप्स बना लिए हैं। और अब इसकी हम नोज रिंग बना देंगे वाइट कलर से, और उसको उसके बाद यहाँ पे हम उसको हाईलाइट करेंगे ब्लैक कलर से। पहले ये पूरी नोज रिंग मैं यहाँ पे बना दूँगी वाइट कलर से, ताकि ऐसा फील हो कि ये वाइट पल्स से बनी है। तो यहाँ पे इसकी ये जो नोज़ रिंग है ये पूरी इस तरीके से मैंने छोटी छोटी डॉट्स बना दी हैं वाइट कलर की। और अब आ रही है इसके नेकलेस की। सो मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर से मैं इसका ये पूरा नेक पीस बनाने वाली हूँ, और उसमें थोड़ी थोड़ी शेड दूँगी डार्क ब्लू कलर की। और इसी तरीके से डार्क ब्लू कलर की शेड देंगे, साइड में भी कर लेंगे लाइट ब्लू कलर, और जो जैसा भी मन करे आपको, आप उस वो वाला कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे डार्क ब्लू कलर की शेड दे देंगे हम, और लास्ट में मैं यहाँ पे करने वाली हूँ पूरी पेंटिंग में ब्लैक कलर की आउटलाइन। जो भी पूरी यहाँ पे पेंटिंग है उस पूरी पेंटिंग में यहाँ पे हम ब्लैक कलर से फ्लैट ब्रश से आउटलाइन स्टार्ट कर देंगे पेंटिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। इसकी बिंदी में रेड कलर कर देंगे, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे इसके ड्राई होने के बाद एक वार्निश का कोट अप्लाई कर रही हूँ इस स्पैक्यूला से, और ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। एंड गाइस फाइनली आर एन इंडियन गर्ल पेंटिंग इज रेडी। Our Indian girl painting is ready, and guys, आप सभी को ये painting कैसी लगी guys? Please do let me know in the comment box. And channel पर नए हो guys, तो please subscribe कर लो, पुराने हो तो bell icon को दबा दो, उसी से आपको मिलेगी सारी videos की notification. And guys, आप सभी का feedback मेरे लिए बहुत ज़्यादा matter करता है, so guys, please do comment down below for your suggestions, for your feedbacks. And guys, इसी तरह की कुछ नई नई exciting videos के साथ मिलेंगे हम बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।